ऑसिलेशन में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर क्या पढ़ने जा रहे हैं आज हम लोग, ऑसिलेशन। ठीक है, तो ऑसिलेशन में थोड़ा सा इसके डेफिनेशन वगैरह के बारे में जानेंगे, राइट। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, पोजीशन ये क्या होता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे नंबर 3, ऑसिलेशन में आ जाएंगे इक्वेशन ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे नंबर 4, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ठीक है, ड्यूरिंग SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। फिर 5 नंबर, इसमें क्या पढ़ेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, एनर्जी इन SHF, ठीक है। और फिर इसके बाद 7 नंबर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पता है, सुपर पोजीशन ऑफ SHF, सुपर पोजीशन ऑफ SHF नंबर 8 नंबर में हम लोगों को क्या पढ़ लेना चाहिए, क्या पढ़ देना चाहिए भाई। तो 8 नंबर में आपको पढ़ना चाहिए सुपर पोजीशन के बाद इसका एग्जांपल, ठीक है, सम इम्पोर्टेंट एग्जांपल, ठीक है, इसके एग्जांपल्स पढ़ेंगे। फिर 9 नंबर में हम लोगों को इसमें पढ़ लेना चाहिए डैम्ड ऑसिलेशन, डैम्ड, ठीक है, डैम्ड ऑसिलेशन, ऑसिलेशन, ठीक है। और 10 नंबर में फोर्स्ड ऑसिलेशन, फोर्स्ड ऑसिलेशन, ठीक है। ओके, बस ये स्टोरी खत्म। यहाँ पर कोई भी ऐसा एग्जामिनेशन नहीं है जिसमें आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आता हो, ठीक है। सभी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं, राइट। क्वेश्चन क्या होते हैं, इसका वेटेज क्या है, तो वेटेज के बारे में जरा यहाँ पर देख लीजिए, क्या वेटेज है। यहाँ पर यदि हम जेई
पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो 30 क्वेश्चन में से कम 1 क्वेश्चन तो रहेगा ही, ठीक है। 25 क्वेश्चन बनाओगे तो 1 क्वेश्चन रहेगा ही, राइट ना, समझ गए कि नहीं। 25 में 1, 1 out of 25, JEE mains मिनिमम की बात कर रहा हूं, 1 out of 30, ठीक है। अब एडवांस की बात कर लीजिए, एडवांस में इसका जो वेटेज होता है वो 18 out of 1 गारंटी के साथ, ठीक है, 1 out of 18, और दूसरा पेपर इन जनरल 22 क्वेश्चन के होते हैं, ठीक है, ओके। फिर इसके बाद आप कहाँ आइए, MHTCET में आइए, कहाँ पर, MHTCET, राइट, MHTCET में ये 12th का चैप्टर है, ठीक है। 12th के चैप्टर में से 40 क्वेश्चन होते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, 40, ठीक है, समझ गए प्यारे। 40 में से कम गारंटी के साथ 3 क्वेश्चन रहता है, कितने, 3 out of 40, ठीक है, मिनिमम 3 out of 40। अब आ जाइए जरा, ये तो हुआ इंजीनियरिंग सेक्शन वाले बच्चों की बात, राइट ना। अब हम लोग मेडिकल की बात करते हैं, नीट की बात करते हैं, ठीक है। नीट में आप लोग जानते हो 45 क्वेश्चन होता है फिजिक्स में, ठीक है, और 45 में गारंटी के साथ ठोक करके, समझ गए, कम से कम इस क्वेश्चन का जो पार्टी, मतलब इस चैप्टर का जो पार्टिसिपेशन रहता है, ठीक है, इस छोटे से चैप्टर का जो पार्टिसिपेशन रहता है ना, समझे, वो 10% वेटेज रहता है, कितना, 10% वेटेज। अब आप समझ सकते हो 4 से 5 क्वेश्चन का वेटेज रहता है, ठीक है। अब बोलोगे ये कैसे, ये क्या होता है कि इसमें मिक्स टाइप के चैप्टर, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का भी क्वेश्चन इसमें हो सकता है। आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते समय ऑसिलेशन की बात किए थे, ठीक है, नोटबुक पलटा करके देखिए, ठीक है। इसी तरह से हम लोग मैकेनिक्स में जिसमें ये पढ़ रहे हैं अभी, उसमें तो होगा ही होगा, ठीक है। इसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में भी इससे क्वेश्चन हो जाते हैं, राइट, ठीक है। और इसके बाद आप क्या कहते हो, क्या कहते हो भाई, ये रोटेशनल मोशन से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इस चैप्टर का दूसरे चैप्टर से भी रिलेशन होता है, इस चैप्टर का दूसरे चैप्टर से भी रिलेशन होता है, इसीलिए ये चैप्टर ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इजी भी है, सिंपल भी है, समझ गए, सिंपल भी है, राइट। तो इसको प्यार से अभी से शुरू हो जाइए, ठीक है ना, अभी से शुरू हो जाइए, ओके। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसके कंटेंट में अब पढ़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो आइए जरा, ऑसिलेशन है ना, तो मैंने बोला आपको डेफिनेशन, तो इसको जरा समझने का, अब क्या होता है ऑसिलेशन, होता क्या है। यदि मान लो सबसे पहले ऑसिलेशन क्या होता है,
पार्टिकल यदि अपने पोजीशन को रीगेन करता है, राइट ना, और इनर्शियल प्रॉपर्टी के कारण फिर आगे बढ़ करके फिर रीगेन करता है, ठीक है, ऐसे कंडीशन में ऑसिलेशन अराइज होता है, ठीक है, ऐसे कंडीशन में ऑसिलेशन अराइज होता है, राइट। मयंक पोरे जी इनकमिंग आउटगोइंग कर रहे हैं, एक जरा देखिए यहाँ पर, ये एक इसको हम क्या बोलेंगे, यदि ये ऑसिलेट करेगा तो क्या बोलेंगे इसको, साधिया फिजिकल पेंडुलम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फिजिकल पेंडुलम बोलेंगे। अच्छा लग रहा है आज आर्यन पाटिल भी पधारे हुए हैं, मेरी आंखों के सामने उनके सुंदर नाम दिख रहे हैं, ठीक है, इसको ऐसे करके थोड़ा ऐसे ऐसे वाइब्रेट हुआ तो फिजिकल पेंडुलम, देखो अब इसको ऐसे करके छोड़ेंगे तो ऐसे ऐसे हो रहा है ना, मतलब अपने पोजीशन को क्या कर रहा है, रिगेन कर रहा है, राइट ना, और इनर्शियल प्रॉपर्टी के कारण आगे पीछे इस तरह का मोशन कर रहा है, ओके। तो देखो ऑसिलेशन जब कोई when a particle is displaced from its stable equilibrium position, by small distance, displacement and released. Then particle starts to execute periodic motion, on both sides.
अब देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए जरा, अब जैसे मैंने क्या बोला, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये क्या होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, थोड़ा समझने का। स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, अब आप लोग जानते हो कि ऐसा पोजीशन, तो सीधा जानते हैं आप लोग कि इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होता है। इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होता है जी, कोई बोलेगा मेरे को? इक्विलिब्रियम पोजीशन, देयर आर, यदि कोई पार्टिकल, यदि किसी पार्टिकल पर नम्रता, श्रद्धा, देखिए यदि कोई पार्टिकल है और उस पर नेट फोर्स जीरो लग रहा है, क्या लग रहा है, नेट फोर्स जीरो लग रहा है, समझ गए, तब वो पार्टिकल क्या कहलाएगा, इन इक्विलिब्रियम पोजीशन में कहलाएगा, राइट। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर जरा देखिए, यहाँ पर यदि इसको अपन ने लटकाया तो ये जो बॉडी है ना, बॉडी, इसको पार्टिकल तो नहीं बोलेंगे, बॉडी बोलेंगे। ये कैसे है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, समझे। अब इसको अपन ने डिस्प्ले, अब इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्यों है, क्योंकि इस पर नेट फोर्स जीरो है, ठीक है ना, तो ये इधर जा रहा है ना उधर जा रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, ठीक है। तो दिस इज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, राइट। दूसरी बात, यदि हम इस पर फोर्स अप्लाई किया, इसे डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, तो ये क्या करने लगा, वाइब्रेट करने लगा, इसको डिस्प्लेस किया छोड़ दिया, वाइब्रेट करने लगा, ये ऐसे 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 ऐसे, है ना, ओके। क्यों किया, क्योंकि इसको ऐसे डिस्प्लेस किया, यहाँ पर ये था और इसको अपन ने डिस्प्लेस किया और छोड़ दिया, तो ये अपने मीन पोजीशन पर आ गया, अपने इनिशियल पोजीशन को रीगेन कर लिया, और इनर्शियल प्रॉपर्टी के कारण क्या करता है, ये वाइब्रेट होने लगता है, ठीक है, क्या करने लगता है, वाइब्रेट होने लगता है। तो ऐसे मोशन को, सॉरी, ऐसे पोजीशन को स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलेंगे, ऐसे पोजीशन को क्या बोलेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, ओके जी। चलिए आगे बढ़िए जरा, तो यहां पर नेट फोर्स क्या होना चाहिए, एफ नेट इज इक्वल टू जीरो, नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो, ठीक है। अब देखिए, अब स्टेबल ये इक्विलिब्रियम पोजीशन जो होता है ना, वो तीन टाइप का होता है, एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, दूसरा होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, और थर्ड इज कांस्टेंट या यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन ये क्या होता है, इट कैन बी रीगेन, ये क्या होता है, रीगेन होता है, ठीक है। यहाँ पर एफ नेट, नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो, और पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है जी, यू इज इक्वल टू मिनिमम, मिनिमम होता है, ठीक है। नंबर फोर, एग्जाम्पल के तौर पर हम जाएंगे तो क्या होगा, देखो जरा,
एक स्प्रिंग को, ऐसा स्प्रिंग है और ये एक ब्लॉक है, एम मास का ब्लॉक है ना, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। इसको यदि अपन ने ऐसा डिस्प्लेड करके छोड़ा तो ये आगे पीछे वाइब्रेट करने लगेगा और अपने मीन पोजीशन पर आकर के रुक जाएगा। तो ये पोजीशन क्या हो गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। एक बॉब लेकर के आप ऐसे उसको लटका दोगे, ठीक है। तो ये इसको आप यहाँ पर ऐसे छोड़ेंगे तो ये ऐसे 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 सिंपल हार्मोनिक मोशन करके यहाँ आ जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है। तो ये पोजीशन क्या हो गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। और जरा चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, फटाफट इसको बनाने का एग्जांपल लिखते चलने का, राइट। चलिए जरा अब देखो, एक क्या लेते हैं, जार लेते हैं, ग्लास जार, ठीक है। घर में ग्लास होगा, आप भी प्रैक्टिकल कर लेना है ना, और उस ग्लास में पानी भर लेना, ओके। क्या भर लेना, पानी, और उस पर एक प्लास्टिक का बॉल रख देना या एक पीस ऑफ कॉर्क रख दीजिए। क्या रख दीजिए, पीस ऑफ कॉर्क रख दीजिए। इस पीस ऑफ कॉर्क को थोड़ा सा दबा करके छोड़ दीजिए तो ये ऊपर नीचे करने लगेगा, ठीक है, राइट ना, ऊपर नीचे करने लगेगा। तो दीज आर ये सब कंडीशंस क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन कहलाते हैं, ठीक है, ओके। और कुछ पूछोगे, अच्छा चल एक और एग्जांपल दे देता हूँ। एक मान लीजिए वायर ले लीजिए, वायर को इस तरह से स्ट्रेच्ड कर दीजिए, बीच में आप अपना कोई शर्ट या कोई कपड़ा रख दीजिए, इसको दबा करके थोड़ा छोड़ दीजिए, ये ऊपर नीचे करने लगेगा, है ना। तो ये सब क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। और ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे, ऑसिलेटरी मोशन, क्या बोलेंगे, ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होता है जी, तो नंबर वन, इट कैन नॉट बी रिगेन, इट कैन नॉट बी रिगेन, ये रिगेन नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पर नेट फोर्स जीरो होता है, लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी, जानते हो क्या हो जाता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, ओके, राइट। अब देखिए जरा एग्जांपल के मजे ले लेते हैं। आप क्या करो, आज घर में ये प्रैक्टिकल कर लो, एक उल्टा कटोरा ले लो, ठीक है। उल्टा कटोरा लेने के लिए बोल रहा हूँ, सीधा कटोरा नहीं, एक उल्टा कटोरा ले लो, एक छोटा सा प्लास्टिक का बॉल ले लो, है ना। उस बॉल को यहाँ पर प्यार से जेंटली रख दो, ये जेंटली रख दिया, एम मास का आराम से टिका करके ऐसे करके जेंटली रख दिया, ओके, राइट। अब आप ही जरा बोलिए, मेरे प्यारे, ये जो बाउल है इसका रेडियस आर है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गया, नहीं हो गया, नेट फोर्स यहाँ पर जीरो है। अब यदि थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड कर दो इस
ऐसा इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या कहलाएगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्या कहलाएगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, समझ गए। और कटोरा को यदि सीधा ले लोगे तो देखो जरा, यदि कटोरा ऐसा है, बॉल यहाँ पर रख दीजिए, ये आप भी घर में प्रैक्टिकल कर सकते हैं आप शादी या मुलामी जी। ठीक है, अब इस एम मास के बॉल को क्या करो, डिस्प्लेस करके छोड़ो। डिस्प्लेस करके छोड़ोगे तो आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे करने लगेगा। ठीक है, राइट ना। आर यार ओके, ये क्या करने लगा लगेगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन करने लगेगा। वेरी गुड, राइट ना, ओके। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं करेगा। अब जरा चलिए ये यूनिफॉर्म इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होता है? तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होता है। यहाँ पर क्या होता है? नंबर एक, एफ नेट तो जीरो होता है। नंबर टू, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं होता, ये कांस्टेंट रहता है। अब इसका एग्जांपल क्या होगा तो जरा देख लीजिए कि एक बॉल को एम मास का बॉल है, एम मास का बॉल है, ये रुका हुआ है ना, रुका हुआ है। आपने देखिए रुका हुआ है, ये बॉल यहाँ पर है चाहे यहाँ पर है, पोटेंशियल एनर्जी जो भी रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, जो भी रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। यदि ये बॉल किसी कारण से भी वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, ठीक है, तो भी यहाँ पर एक्सेलरेशन जीरो है, फोर्स जीरो है, और यू जो भी होगा कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो ऐसा पोजीशन क्यों, राइट ओके। तो आज आप लोगों ने फिर से पढ़ा इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होता है? जैसे ऐसा पार्टिकल जिस पर नेट फोर्स जीरो हो, नेट फोर्स क्या हो, जीरो, तो वो क्या कहलाएगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, राइट, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम पोजीशन। और पोटेंशियल एनर्जी यदि मिनिमम है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। पोटेंशियल एनर्जी यदि क्या हो, बोलिए, मैक्सिमम हो तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। पोटेंशियल एनर्जी यदि कांस्टेंट है, चेंज बेंज नहीं होता है, तो यूनिफॉर्म, राइट ओके महक, वेरी गुड। तो अब आगे बढ़ते हैं, चलिए अब चलिए इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? इक्वेशन फॉर एस एच एम सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखिए अब क्या होता है, इसमें एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ले लेंगे। अब ऐसा जरूरी नहीं, समझने के लिए ले रहे हैं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, ठीक है, समझी केत की, काय के लिए ले रहे हैं, समझने के लिए, ठीक है। और राधा ये चैप्टर इजी है, ओके इजी है, इस चैप्टर में इंटरेस्ट लेने का, मजे लेने का, ठीक है, मजे लेंगे
समझ में भी आएगा और आगे भी बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? ओके, तो देखिए, राइट, इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, लेट ए ब्लॉक ऑफ मास एम कनेक्टेड विद ए स्प्रिंग, ठीक है, ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, के एच, ठीक है। मान लीजिए कि किसी फिक्शन लेस टेबल पर, ठीक है, कैसे टेबल पर नंदिनी, फिक्शन लेस टेबल पर एक ब्लॉक है, किस मास का, एम मास का, ठीक है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, ठीक, यहाँ पर म्यू जीरो है, राइट। देखिए अब जरा, अब क्या होगा आप ही बताना, यहाँ पर यदि इसको पोजीशन ओ से हम लोग डिस्प्लेस्ड करके, खींच करके कहाँ ले जाते हैं, यहाँ पर ले आते हैं, ठीक है, पोजीशन यहाँ इस पोजीशन तक ले आते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट एक्स है। तो कैसे डिस्प्लेस्ड करेंगे, खींचेंगे, इस पर फोर्स लगाएंगे, राइट ना। तो देखना जरा, इस पर एक फोर्स एफ लगाया, ठीक है, ओके। अब इसको आप ही बताओ कि इसको जितना ज्यादा खींचेंगे उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, है कि नहीं? इस स्प्रिंग को जितना ज्यादा खींचेंगे उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इसका उल्टा देखिए, इस स्प्रिंग को जितना ज्यादा दबाएंगे उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, है कि नहीं? सही है ना? ओके, अब देखिए जरा, तो यहां पर ये जो अप्लाइड फोर्स है, ये क्या है, अप्लाइड फोर्स, अपन ने अप्लाई किया, अप्लाइड फोर्स, ठीक है। लेकिन जानते हो, जब इस पर कोई फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो और उसको छोड़ेंगे तो क्या होगा, स्प्रिंग इधर आने लगेगा ना। तो अपन ने तो खींचा था है फोर्स अप्लाई करके, ओके, ठीक है, और जब अपन ने छोड़ा तो ये ब्लॉक इधर जाने लगा, ठीक है, और ऐसे 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 वाइब्रेट हो करके धीरे धीरे यहां पर आकर के रुक गया, ठीक है। तो ये पोजीशन क्या कहलाएगा, मीन पोजीशन, नहीं? लेकिन आप सोचो जरा सा, ये इस ब्लॉक को पीछे कौन लाया, यहां तक खींच करके तो अपन लाए थे, इसको यहां से यहां तक कौन ले गया, ठीक है, फिर उधर कौन ले गया, तो इधर से इधर कौन ले गया, एक रीस्टोरिंग फोर्स ले गया, कौन ले गया, रीस्टोरिंग फोर्स, जो उसके पोजीशन को रीगेन करना चाह रहा था, ठीक है। इधर की तरफ कौन ले जाएगा इस ब्लॉक को, रीस्टोरिंग फोर्स ले जाएगा, इधर की तरफ कौन ले जाएगा, आर ले जाएगा। तो आर क्या है, एफ क्या हो गया, अप्लाइड फोर्स, आर क्या हो गया, रीस्टोरिंग फोर्स,
को इधर कौन ले जाता है? रिस्टोरिंग कोड। अब इसका मतलब क्या हो गया पता है? बोलिए। सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन वही होगा जहां रिस्टोरिंग फोर्स अराइज होगा। ठीक है, जहां पर रिस्टोरिंग फोर्स अराइज होगा। यदि रिस्टोरिंग फोर्स नहीं है, ठीक है मानसी, यदि रिस्टोरिंग फोर्स नहीं है ओके, तो फिर ऑसिलेटरी मोशन नहीं हो सकता है पाटिल जी, पॉसिबल नहीं है, राइट ना? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब इस रिस्टोरिंग फोर्स की प्रॉपर्टी को देखते हैं हम लोग, किसके रिस्टोरिंग फोर्स की प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। अब इन जनरल सिंपल लाइफ में हम लोग देखते हैं कि स्प्रिंग को जितना ज्यादा खींचो फोर्स उतना ही लगाना पड़ता है, उतने ज्यादा फोर्स, और खींचो और फोर्स लगेगा, और खींचो और फोर्स लगेगा। ठीक है, मतलब क्या हो गया? मतलब क्या हो गया? अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, है ना? तो यहां पर अप्लाइड फोर्स एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। ठीक है, रीस्टोरिंग फोर्स के लिए यदि हम लिखेंगे इसको तो क्या हो जाएगा? रीस्टोरिंग फोर्स आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। अब यहां आप बोलोगे माइनस साइन क्यों दिया? माइनस साइन इसीलिए दिया मुद्रा अंतरा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपन किधर कर रहे हैं? उधर की तरफ। तो रीस्टोरिंग फोर्स किधर है? इधर की तरफ। यदि तुम इसको दबाओगे, यदि तुम इसको दबाओगे तो डिस्प्लेसमेंट किधर कर रहे हैं? इधर की तरफ, इधर की तरफ। ठीक है, रीस्टोरिंग फोर्स किधर हो जाएगा? उधर की तरफ। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट और रीस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होता है, समझ गए तुरती? तो इसीलिए ये R इज इक्वल टू एक कांस्टेंट लिखते हैं kx, राइट? इन जनरल बुक्स में केवल F लिख देता है इसको, क्या लिख देता है? F लिख देता है, ओके, राइट ना? क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स ये दोनों बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, इसीलिए, है ना? तो R इज इक्वल टू माइनस के एक्स। यार के इज कॉन्स्टेंट ऑफ, समझ गए, प्रोपोर्शनलिटी, कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ओके, एंड इज कॉल्ड, इज कॉल्ड स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, या स्प्रिंग कांस्टेंट कहेंगे, फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग कहेंगे, इस तरह से। ठीक है, फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग बोलते हैं के को। ठीक है, और यहीं पर एक लाइन और लिख दीजिए, क्योंकि हम लोग जेई और नीट वाले हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन, इट डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन, ठीक है, साइज
साइट हो गया, मटेरियल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ क्योंकि बार बार उतना लिखना ठीक नहीं है। साइज एंड मटेरियल, ओके, मटेरियल ऑफ स्प्रिंग, अब परफेक्ट हो गया, ठीक है। तो R इज इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है, ओके जी। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं हम। अब आप जानते हो कि ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है या अप्लाइड फोर्स है, ये किस पर लग रहा है? एम मास के ब्लॉक पर लग रहा है। किस पर लग रहा है? एम मास के ब्लॉक पर लग रहा है। और आप जानते हो कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? एम इंटू ए, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू आर, राइट ना, ओके। तो अब जरा चलिए, दिस इज योर इक्वेशन नंबर वन, दिस इज योर इक्वेशन नंबर टू, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू यू कैन राइट हियर, ठीक है, राजवर्धन, फ्रॉम वन एंड टू यही लिख देता हूं, ठीक है। फ्रॉम वन एंड टू तुम लिख सकते हो, यू कैन राइट हियर एम इंटू ए इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स, ठीक है, के इंटू एक्स। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम, जरा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जरा। तो ए इज इक्वल टू माइनस के बाय एम इंटू एक्स, ठीक है, माइनस के बाय एम इंटू एक्स। ये क्या है यहाँ पर? एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। या यहाँ पर पार्टिकल तो लिखा नहीं आ रहा, अपन ने ब्लॉक लिखा भाई बाबा, तो अपन को ब्लॉक लिख लेगा, ऑफ द ब्लॉक, ओके जी, राइट। अब देखिए हियर के बाय एम इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, के बाय एम इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ओमेगा क्या होता है भाई? तो ओमेगा इज इक्वल टू रूट के बाय एम। तो यहाँ पर ओमेगा क्या हो गया? ओमेगा क्या हो गया? ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लॉक, ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द ब्लॉक, ओके। तो जरा देखिए, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, राइट। अब आप यहां पर ए को ए इज इक्वल टू डी टू एक्स बाय डी एक्स स्क्वायर, डी टी स्क्वायर भी लिख सकते हो, है कि नहीं? बोलिए जरा समृद्धि, डी टी स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसको कि नहीं लिख सकते? तो ये क्या हो जाएगा? डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो, राइट। अब देखो यहाँ पर जरा नंबरिंग कर लेते हैं हम लोग, सभी का मीनिंग है प्यारे, समझे, सबका मीनिंग है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर थ्री, ठीक है, एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर फोर,
कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन, इक्वेशन फॉर एस एच एम, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, और देखिए जरा पीछे की तरफ चलते हैं, हम लोग पीछे की तरफ चलते हैं जी, तो देखो जरा a इज इक्वल टू माइनस के बाय एम एक्स, यहां पर ये क्या हो गया, कंडीशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। ऐसा कंडीशन यदि आएगा तभी सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, समझ गए, दी आर दी कंडीशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, राजवर्धन सिंह राठौर जी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, दिस इज दी कंडीशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, दिस इज दी कंडीशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, एफ इज इक्वल टू के एक्स, ठीक है। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, दिस इज दी कंडीशन फॉर एस एच एम, ओके राइट। अब देखिए जरा कंडीशन फॉर एस एच एम, तो इसके बाद ओके अब यहां पर आज हमने क्या पढ़ा, ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, कंडीशन फॉर ऑसिलेटरी मोशन एफ इज इक्वल टू के एक्स और आर इज इक्वल टू माइनस के एक्स, आर इज इक्वल टू माइनस के एक्स, राइट। इसको स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम से अपन ने सीखा यहां पर, ठीक है ना, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम से इसको यहां पर सीखा। और डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एस एच एम अपन ने डिराइव किया। अब यहां पर ब्लॉक क्या करता है, ये जो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में जो ब्लॉक था वो अपने मीन पोजीशन के आगे पीछे ऑसिलेशन करता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ऐसे मोशन को क्या कहेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो स्टेट एग्जामिनेशन और ये नीट वगैरह का जो एग्जाम होता है ना, उसमें ये भी पूछ लेता है कि व्हिच वन इज डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो यदि ऐसा इक्वेशन यहाँ पर है उसमें आपको टिक लगाने का, राइट ओके। तो आज की मुलाकात बस इतनी, इसके आगे ये आपको आज ही अभी